नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो राजधानी भोपाल से मिल रही है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 12,918 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में कोरोना से 104 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। वहीं राजधानी में 1802 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 89,000 के पार पहुंचा। वहीं राजधानी में कोरोना के 1004 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार आंकड़ों में वृद्धि देखी जा रही है। चलिए तो मध्य प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है जान लेते हैं। हमारे संवाददाता दुष्यंत पारासर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, प्रदेश में कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 12,918 संक्रमित मिले। वहीं बात करें अगर राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल में 1802 नए संक्रमित, क्या कुछ जानकारी अधिक? बिल्कुल, देखिए ऋतु, जिस तरीके से लगातार कोरोना का जो कहर है वो कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है, और जिस तरीके से लगातार ये चीज देखने में आ रही कि सरकार ने जितने भी व्यवस्थाएं की हैं, कहीं ना कहीं सरकार इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना के संक्रमण है वो भी अब इस तरीके का दिखने लगा है कि कहीं ना कहीं एक विकराल समस्या जो है वो सरकार के सामने बन गई है। क्योंकि अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में पिछले 24 घंटों में 1800 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए हैं, तो 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो राजधानी समेत 12,000 से ज्यादा, मतलब 12,918 संक्रमित नए मरीज जो है वो 24 घंटे में निकलकर सामने आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरीके से और जिस तेजी से पहली ये जो स्ट्रेन थी कोरोना की वो निकली थी, और उसकी दोगुनी और चौगुनी तेजी से कहीं ना कहीं दूसरी स्ट्रेन में कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो मरीज है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सरकार के सामने कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और जिस तरीके से व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं, तो हर संभव व्यवस्था जो सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रही है। और जिस तरीके से सरकार ने प्रयास ये किए थे कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा सके, सभी अस्पतालों में बेड की पर्याप्त व्यवस्था की जा सके, साथ ही साथ वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा सके, तो कहीं ना कहीं अब सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी उनमें सरकार नाकाफी साबित हो रही है। और जिस तरीके से जो प्रयास सरकार की तरफ से किए गए, तो वो प्रयास अभी और भी ज्यादा तरीके से और ज्यादा तेजी से किए जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेन जो है वो अपने लगातार पैर पसार रहा है, और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं स्ट्रेन से बड़ी संख्या में जो मरीज है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। और यही कारण है कि जिस तरीके से जो लगभग 48,000 बेड जो सरकार ने अलग अलग अस्पतालों में बनाए हैं और उनकी व्यवस्था की है, तो वो बेड भी कम पड़ने लगे हैं, क्योंकि प्रतिदिन लगभग 12,000 से 13,000 मरीज जो है मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आ रहे हैं, जिससे समस्या जो है वो सरकार के सामने ये हो जाती है कि अगर मरीज बड़ी संख्या में निकलकर सामने आ रहे हैं तो जो भी व्यवस्थाएं उन्होंने अब तक की है वो भंग हो जाती है। तो अब प्रयास है सरकार के कि और भी तेजी से और भी ज्यादा नए तरीके से जो व्यवस्थाएं की जा सके, ताकि किसी भी प्रकार से मरीज को कोई प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल दुष्यंत जी, बने रहेगा आपके पास, फिर से लौटेंगे। तो लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, आंकड़ों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 12,918 नए केस सामने आए। वहीं राजधानी भोपाल में 1802 नए संक्रमित मिले हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के प्रयास नाकाम होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं केसों में वृद्धि होती जा रही है।